हमीरपुर विधानसभा में होने वाले उपचुनावों के लिए भाजपा ने पूर्व विधायक आशीष को टिकट देकर मैदान में उतारा है। आशीष शर्मा ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का टिकट देने के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात काम किया जाएगा। आशीष शर्मा ने बताया कि वे मंगलवार 18 जून को चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। आशीष शर्मा ने कहा कि उनका उद्देश्य अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना है। आशीष शर्मा ने कहा कि चुनावों में लड़ाई निजी स्वार्थ की नहीं बल्कि क्षेत्र की जनता के लिए लड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता सब जानती है। उन्होंने दावा किया कि जनता उन पर भरोसा जताएगी और जिताकर विधानसभा में भेजेगी। लड़ाई लोगों द्वारा लड़ी जाती है। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता जानती है कि ये जो लड़ाई है ये उन्हीं लोगों के लिए है, कोई अपने निजी स्वार्थ के लिए लड़ाई नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो मुझे शायद जरूरत ही नहीं थी कि चुनाव में उतरता, लेकिन अगर ये लड़ाई लड़ रहा हूँ तो केवल और केवल अपने क्षेत्र की जनता के लिए लड़ रहा हूँ। अगर निजी स्वार्थ होता तो शायद इन सब चीज़ों में ना पड़ता। और मेरे क्षेत्र की जनता भली भांति जानती है कि किस लिए ये इज्जत मान सम्मान की लड़ाई है, आने वाले हमीरपुर के भविष्य की लड़ाई है। लोग जो भी डिसाइड करेंगे और मुझे विश्वास है कि लोग अपना आशीर्वाद देंगे और यहाँ से मुझे फिर से विजय बनाएंगे।